तो यहाँ तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो चलो भैया अल्टरनेटिव के पास जाते हैं। अल्टरनेटिव क्या है, वेरिएबल फ्रेम लेंथ की तरफ बढ़ते हैं। अब वेरिएबल फ्रेम लेंथ में 10 बाइट का भी फ्रेम हो सकता है, 100 बाइट का भी और 1000 बाइट का भी, कुछ भी हो सकता है यार, इट कैन बी एनीथिंग यू नो। तो यहाँ पे अपने को टोटल फ्रीडम है कि अपन इतना ही सेंड करना चाहे तो उतना ही सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिर जो हमें इंडिकेट करना है, आखिर हमारा मकसद क्या था कि हमें बताना है कि अगर ये हमारी फ्रेम है, इफ़ दिस इज़ आवर फ्रेम, तो यहाँ पे SFD तो हमारी मदद कर देता है टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द फ्रेम डिलिमिटर। यहाँ पे एंड में हमें कुछ चाहिए, ये एंड इंडिकेटर हमें चाहिए एक कोई। तो यहाँ पे आपका हेडर होता है, यहाँ पे आपका पेलोड या डेटा होता है, यहाँ पे आपका ट्रेलर होता है, बराबर। यहाँ पे एंड ऑफ द फ्रेम हमें एक तरीके से कि यहाँ पे एंड हो रही है फ्रेम, ये हमें इंडिकेटर यहाँ पे कुछ तो चाहिए, कोई रिसीवर को समझ में आए। तो इसके लिए हम लोग वेरिएबल फ्रेम लेंथ की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से हैं वो दो सॉल्यूशन, लेट्स चेक आउट। वो दो सॉल्यूशंस हैं, एक तो है भैया पर्टिकुलरली एक लेंथ फील्ड को ही आप ले लो, कंसिडर कर लो, लेंथ फील्ड को कंसिडर कर लो। लेंथ फील्ड मतलब क्या कि आप लेंथ फील्ड में मेंशन करोगे, जैसे कि अभी आपकी फ्रेम एक ली, फ्रेम की लेंथ क्या है समझ लो 10 बाइट है, या फिर लेट्स कंसिडर 100 बाइट है, जैसी यहाँ निकली थी वैसी 100 बाइट की चलो मेरी जो फ्रेम है वो निकली है, ओके। ये मेरा कहाँ मेंशनड होगा, लेंथ फील्ड में मेंशनड होगा। तो जब आपका रिसीवर रीड करेगा, जब आपका रिसीवर रीड करेगा उस रिस्पेक्टिव फ्रेम को, तो वो देखेगा अच्छा लेंथ बिट जो है, लेंथ फील्ड जो है वो आपकी एक तरीके से 100 बाइट है, ओके। तो वो क्या करेगा, 100 बाइट तक रीड करेगा, रुक जाएगा और बोलेगा स्टॉप, यहाँ पे फ्रेम मेरी एंड हो रही है, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट फ्रेम, बराबर इस तरीके से। तो देखने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान है नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पे भी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिंपल सी ये है कि भाई साहब ड्यूरिंग द सेंडिंग, जब आप ये फ्रेम को पर्टिकुलरली सेंड कर रहे हो एक छोर से दूसरी छोर तक, ओके, बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, और फिर वो गड़बड़ भाई बहुत बड़ी हो सकती है। गड़बड़ कुछ ऐसी हो सकती है कि आपकी जो लेंथ फील्ड है वो करप्ट हो सकती है, बात सही है नहीं, लेंथ फील्ड को इंटेंशनली भी करप्ट किया जा सकता है और ऐसे भी करप्ट हो सकती है, ठीक है। यानी क्या कि मान लो किसी का इंटेंशन है कि यार ये जो 100 बाइट है ना, इसके सिर्फ जो रिसीवर है इसने सिर्फ अपने स्टार्टिंग के 20 बाइट ही रीड करने चाहिए, बराबर, ऐसा कुछ इंटेंशन हो, या फिर ऐसे ही जो आपका लेंथ फील्ड है वो करप्ट भी हो सकता है। तो मान लो ये जो आपका 100 बाइट था इट इज़ नाउ गेटिंग करप्ट, और लेंथ फील्ड जो है आफ्टर गेटिंग करप्टेड इट इज़ नाउ ओनली शोइंग 20 बाइट, समझ में आया। तो एक्चुअल लेंथ तो भैया 100 बाइट का है, लेकिन लेंथ फील्ड आपका करप्ट हो गया और वो 20 बाइट दिखा रहा है अभी। अब आपका रिसीवर क्या करेगा, वो तो इसके ऊपर डिपेंडेंट था, लेंथ फील्ड के ऊपर, वो देखता 20 बाइट, तो ठीक है भाई आपने बोला 20 बाइट, वैसे भी ये वेरिएबल है फिक्स तो है नहीं, तो 20 बाइट भी सेंड कर सकते हो। तो रिसीवर क्या करेगा, 20 बाइट पकड़ लेगा, बात खत्म, बाकी का डेटा तो वो ऐसे ऐसे करेगा जैसे कि भाई वो इस फ्रेम का हिस्सा ही नहीं है, बराबर है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए फ्रेम लेंथ तो अभी सिर्फ कितनी है 20 बाइट की, तो ये भी डिसएडवांटेज है। तो फिर अभी दूसरे हम लोग एक अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा फाइनल अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। तो वो अल्टरनेटिव क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज अ एंड डिलिमिटर, ईडी, एंड डिलिमिटर, यानी कि यहाँ पे हम अपना लगाएंगे ईडी, ओके, एंड डिलिमिटर। ये एंड डिलिमिटर ईडी जो है ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम, सिंपल, ओके। तो अब एंड ऑफ द फ्रेम है यहाँ पे, तो इसके जो सीक्वेंस होगा, ओके, इसका जो बिट सीक्वेंस होगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे, दिक्कत ये है कि ये जो आपका पर्टिकुलर पेलोड है, जो भी पेलोड है, और ये जो आपका पर्टिकुलर एंड ऑफ द डिलिमिटर है, मतलब एंड डिलिमिटर है जो आपको बताता है एंड ऑफ द फ्रेम, अगर इन दोनों का जो पर्टिकुलर बिट पैटर्न है या जो भी कोड है ये अगर सेम निकला तो, ये अगर सेम निकला तो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट मी टेक एन वन एग्जाम्पल, ओके, कि 1000 लाइक दैट, दिस इज अ सिंपल बिट पैटर्न, इसे मैं इन टर्म्स ऑफ बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपका एंड डिलिमिटर भी 1000 है, ये रिसीवर को भी पता है, ठीक है। तो जब आपका रिसीवर यहाँ से रीड करना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, अच्छा 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, भाई साहब खतरा है, 0 है, फिर ख़त्म। वो यहाँ पे समझ लेगा कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द फ्रेम, ये तो फ्रेम आधा भी नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ क्या बोलते हैं, संयोग ऐसा हुआ है, कोइंसिडेंस ऐसा हुआ है कि जो आपका बिट पैटर्न था एंड डिलिमिटर का, वही आपका पैटर्न आपको डेटा में देखने को मिल गया, और उसे आपके रिसीवर ने मिस इंटरप्रिट करके यहीं पे फ्रेम को एंड कर दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है,
जब आप एंड डिलिमिटर यूज कर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके दो सॉल्यूशन है सिंपल, वो भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इसके जो दो सॉल्यूशंस है वो है एक तो कैरेक्टर स्टफिंग, एक कैरेक्टर स्टफिंग है, या फिर दूसरा है बिट स्टफिंग, दूसरा है बिट स्टफिंग। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। एक एक करके भैया इनको भी समझते हैं कैरेक्टर स्टफिंग और बिट स्टफिंग क्या है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो। तो मान लो भाई यहां पे मेरी ये फ्रेम है। ओके, कैरेक्टर स्टफिंग पहले देखते हैं। कैरेक्टर स्टफिंग, टू कीप द थिंग सिंपल, ओके, टू कीप द थिंग सिंपल, मैं यहां पे जो है जो मेरा ईडी है एंड डिलिमिटर, लेट्स कंसिडर वन कैरेक्टर, ओके, वो कैरेक्टर है डॉलर। कहने का मतलब ये है कि जो डॉलर है, जब आपका पर्टिकुलरली जो रिसीवर है जो डॉलर देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये तो ईडी है, तो यहाँ पे अपने को रुक जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू स्टॉप द रीडिंग बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो ये डॉलर है। समस्या क्या थी, दिक्कत क्या थी, कि यही वाला जो पर्टिकुलर आपका कोड है, ये अगर कहीं आपको डेटा में देखने को मिल जाता है तो आपका जो पर्टिकुलर रीडर रिसीवर है वो वहीं पे स्टॉप कर देगा और डिक्लेयर कर देगा दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हो सकता है, शुरुआत में, आधे में, कहीं भी हो सकता है कोड आपका। तो मान लो यहाँ पे जो मेरा ये डेटा वाला पार्ट है, ये आपका हेडर है मान लो, ओके, ये वाला पार्ट है और यहाँ पे आपका डेटा है, तो यहाँ पे कहीं तो डॉलर रिपीट हुआ है डेटा पार्ट में, पेलोड पार्ट में डॉलर हुआ है। तो अभी क्या होगा, जब आपका रिसीवर यहाँ से रीड करना शुरू करेगा तो वो यहाँ तक आएगा, वो सारे डेटा बिट्स को रीड करेगा और यहाँ पे इस कैरेक्टर को देखेगा डॉलर है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा अच्छा ये डॉलर है तो इसका मतलब दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम, तो वो यहाँ पे पढ़ना शुरू कर, मतलब खत्म कर देगा, इट विल स्टॉप रीडिंग द फ्रेम, तो दिस इज द एंड, बट दिस इज नॉट द एंड, ये तो आधा ही हुआ है, आधा पिक्चर तो बाकी है और उसके पहले तुम थिएटर छोड़ के निकल लिए, तो स्टोरी कैसे पता चलेगी, यानी कि आपका जो डेटा जो आप तक पहुंचा है वो तो गलत पहुंचा है, इनकम्प्लीट पहुंचा है, बराबर है कि नहीं। तो इस सॉल्यूशन से हमें डील करने के लिए कैरेक्टर स्टफिंग हमारी मदद करता है। कैरेक्टर स्टफिंग मतलब क्या है, एक तरीके से सी, हम क्या करेंगे, डॉलर निकला, यहां पे हेडर है, हम क्या करेंगे, डॉलर जो है इसके आगे एक नल कैरेक्टर लगा देंगे, डिलिमिटर तो डॉलर ही है, डिलिमिटर तो डॉलर ही है, सिर्फ इस डॉलर के आगे हम नल कैरेक्टर लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम समझाना चाह रहे हैं रिसीवर को, कि रिसीवर ये अंडरस्टैंड करे कि अच्छा ओके ये डॉलर है तो दिस इज द पार्ट ऑफ द डेटा, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो रीड करेगा, तो वो देखेगा अच्छा डॉलर है, तो डॉलर के आगे देखेगा नल कैरेक्टर, डॉलर के आगे क्या देखेगा, वो नल कैरेक्टर देखेगा, इससे वो समझ जाएगा कि ये नल कैरेक्टर सिर्फ इसीलिए यहाँ पे स्टफ किया गया है ताकि भाई साहब ये जो डॉलर है इसे मैं कंसिडर कर सकूं एज अ पार्ट ऑफ डेटा, आई शुड नॉट स्टॉप इट कंसिडरिंग इट एज अ ईडी, आई शुड कंसिडर इट एज अ डेटा एंड कंटिन्यू रीडिंग बाय रिमूविंग दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। लेकिन दिक्कत अभी खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, दिक्कत तो अभी बढ़ने वाली है आफ्टर दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर मान लो ऐसा हुआ कि डॉलर एंड नल कैरेक्टर ये मेरा पार्ट है ऑफ द डेटा, अब क्या होगा, अब बताओ मियां तुम कि भैया डॉलर और नल कैरेक्टर ये दोनों अभी एक साथ मेरे डेटा के पार्ट है, नाउ व्हाट विल यू डू। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हेडर है आपका, ये डॉलर है, तो डॉलर के लिए एक नल कैरेक्टर और ये जो नल कैरेक्टर है हमारा डेटा का पार्ट, इसके लिए भी एक नल कैरेक्टर लेना पड़ेगा और यहाँ पे तो आपका ईडी डॉलर है ही। इसका मतलब क्या होगा कि जब यहाँ से रीड करेगा आपका रीडर तो वो डॉलर देखेगा, डॉलर के आगे वो क्या देखेगा, नल कैरेक्टर, तो उसको समझ में आ जाएगा कि दिस इज हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डेटा, तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव कर देगा और डॉलर को एक्सेप्ट कर लेगा एज अ डेटा। फिर वो आगे देखेगा एक और नल कैरेक्टर है, बराबर, और उस नल कैरेक्टर के आगे एक और नल कैरेक्टर देख के वो क्या करेगा, इस नल कैरेक्टर को डिस्कार्ड कर देगा और जो ये वाला पर्टिकुलर नल कैरेक्टर है उसे एज अ डेटा पार्ट एक्सेप्ट कर लेगा और उसे रीड कर लेगा, बराबर है। तो अभी जैसे कि आपको ये पूरे के पूरे रूल्स एंड सॉल्यूशन बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगे, उसी तरीके से बड़ा कॉस्टली सॉल्यूशन भी है, इसलिए भैया ज्यादातर इसका इस्तेमाल यहां पे हम नहीं करने वाले, हम बढ़ते हैं सीधा सीधा बिट स्टफिंग के ऊपर। बिट स्टफिंग, ओके, बिट स्टफिंग का एक बेसिक फंडा मैं आपको यहां पे बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि आखिर ये बिट स्टफिंग है क्या। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल कंसीडर किया था, क्या एग्जांपल था, ये आपका ईडी है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर डेटा, लेकिन क्या है दोनों सेम है, तो रिसीवर कंफ्यूज हो रहा है और वो गलती से यहां पे इनकंप्लीट डेटा ही रीड कर रहा है, बराबर, ये दिक्कत थी। तो बिट स्टफिंग कैसे सॉल्व करता है उसे, ये बिट्स हैं आपके, पहले कैरेक्टर कंसीडर किया था हमने, अभी हम लोग यहां पे बिट्स के साथ खेल रहे हैं, यहां पे सिर्फ एक बिट को स्टफ करना है। तो यहां पे क्या है, सी,
व्हाट वी हैव द ऑप्शंस. मॉडिफिकेशन तो अपने को डेटा बिट में ही करना है. ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, ये बड़ा जिद्दी है, ये बोलता मैं नहीं बदलूंगा, तुमको बदलना है बदलो. तो यहाँ पे क्या होता है, वन है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, ये आपका डेटा का पार्ट है जो एक तरीके से ईडी के साथ मिल रहा है. तो अभी हमें यहाँ पे एक बिट स्टफ करनी है. मान लो मुझे एक वन वन जो है ये बिट स्टफ करनी है. तो मेरे पास बिट स्टफ वैसे करनी क्यों है, वाई यू हैव टू स्टफ अ बिट, इंट्रोड्यूस अ बिट, वाई, ताकि हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को तोड़ सकें. एक बार हमने इस पैटर्न को तोड़ दिया, नाउ देयर विल बी नथिंग सेम इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर डेटा एंड द ईडी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. तो कुछ सेम नहीं रहेगा, और सेम नहीं रहेगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वन को एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे वन को एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे वन को एंटर कर सकते हैं. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, बराबर. लेकिन मैं करूँगा यहाँ पे, यानी कि फारदेस्ट फारदेस्ट पॉइंट को मैं चुनूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं वन को इंट्रोड्यूस करूंगा. कैसे करूंगा, सो देर इज अ वन रूल यू कैन कंसिडर. ऐसा रूल हम लोग बनाएंगे कि ये वन है, जीरो जीरो जीरो, आफ्टर एवरी थ्री जीरोस, आफ्टर एवरी थ्री जीरोस वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ वन. दिस इज द रूल भाई, ये नियम है. इस नियम का अगर पालन करोगे तो बहुत सही तरीके से आप ये जो प्रॉब्लम, ये जो समस्या उठी थी इनकम्प्लीट रीडिंग की, उससे आप बच सकते हो. तो आफ्टर एवरी थ्री जीरोस यू हैव टू पुट अ वन बिट, यू हैव टू स्टफ अ वन बिट, फिर उसके बाद यू डोंट केयर इसके बाद जीरो है या वन है, यू डोंट केयर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो आपके जो बिट्स हैं वो कुछ ऐसे हो सकते हैं, ओके, कुछ ऐसे हो सकते हैं. मतलब क्या कि आफ्टर कंटिन्यूस थ्री इट कैन बी अ वन और जीरो, लेकिन ये वन और जीरो वी डोंट केयर अबाउट दैट. इन दोनों से पहले हमें एक जो बिट है उसे स्टफ करना है, जो कि इन दिस केस वन है. अब होगा क्या, जब आपका रीडिंग कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से होगा लेफ्ट टू राइट, बराबर, जब आपका रिसीवर रीड कर रहा होगा तो होगा क्या, सिनारियो क्या होगा, वो देखेगा जीरो, ठीक है, जीरो, ठीक है, जीरो, तीन जीरो हो गए, नियम याद आ गया, नियम याद आ गया. नियम क्या आगे का, यहाँ पे वन देखने को मिल जाएगा, बराबर. जैसे ही वन देखने को मिल जाएगा तो वो जो पर्टिकुलर रिसीवर है वो इस बिट को डिस्कार्ड कर देगा, ओके, और ये आगे वाली जो बिट है उसे वो कंसिडर करेगा एज अ पार्ट ऑफ डेटा. पहले क्या हो रहा था, पहले अगर ये बिट हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो 10000 चार जीरो जो है वो आपकी ईडी के साथ मैच कर रहे थे, और यहीं पे आपका रीडिंग जो है वो खत्म हो रहा था, स्टॉप हो रहा था, एज द रिसीवर वॉज कंसिडरिंग इट इज द एंड ऑफ द फ्रेम. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ठीक है. तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक बिट इंट्रोड्यूस किया, एक नियम ऐसा बनाया कि आफ्टर एवरी थ्री जीरोज यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ वन, फिर उसके बाद मुझे लेना देना नहीं कि वन के बाद जीरो या वन है. तो अभी अगर ऐसा हो, यहाँ पे भी आते हो तो तीन जीरो के बाद यहाँ वन देखने को मिल रहा है, अभी इस वन को मैं क्या करूँगा, सिंपली रिमूव कर दूंगा, जो रिसीवर है मतलब वो रिमूव कर देगा, और इसके बाद ये जो वन है इसे एक्सेप्ट कर लेगा. सो दिस होल विल बी एक्सेप्टेड एज अ डेटा पार्ट, नॉट द पर्टिकुलर, दिस विल बी एक्सेप्टेड एज अ डेटा पार्ट एंड नॉट द एंड ऑफ द फ्रेम. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. तो ये था दोस्तों सारा का सारा चीज़ें जो मैं आप तक डिलीवर करना चाहता था रिलेटेड टू फ्रेमिंग. सारी टर्म टर्मिनोलॉजीज मैंने आप काफ़ी एग्जाम्पल के साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश की. अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अच्छी लगी होंगी, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ. थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.